मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर 35 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। मुरैना जिले की अम्बा सुरक्षित और मुरैना विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। मुरैना विधानसभा क्षेत्र में राकेश कुशवाहा और अम्बा विधानसभा क्षेत्र में अनिता सिंह चौधरी को मैदान में उतारा गया है। देर रात आई सूची में 40 नाम शामिल है, इनमें से 35 प्रत्याशियों के नए नाम और 5 के टिकट बदले गए हैं। समाजवादी पार्टी ने सिंगरौली की देवसर सीट से डॉक्टर सुषमा प्रजापति को टिकट दिया, वहीं सीहोर की आस्था सीट से अंबाराम मालवीय को टिकट मिला। सतना जिले की सतना विधानसभा सीट से हाजी मोइन खान को मैदान में उतारा गया है। सतना के अमरपाटन से समाजवादी पार्टी ने बालकृष्ण यादव पर भरोसा जताया। इसके अलावा पन्ना की पीवाई सीट से रजनी यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। अनूपपुर की कोमता सीट से रिटायर्ड आईएएस विनोद सिंह बघेल को टिकट दिया गया, वहीं ग्वालियर के भीतवार से संत राजेश गिरी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जबलपुर कैंट सीट से देवेंद्र यादव और जबलपुर उत्तर मध्य सीट से रंजना कुर्मी को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने किसी रणनीति के तहत छतरपुर जिले की विजाबार सीट से रेखा यादव को टिकट दिया है। पहले यहां मनोज यादव को उतारा गया था, वहीं निवाड़ी में पहले शिवांगी यादव उम्मीदवार थी, लेकिन अब मिनी यादव को टिकट दिया गया है। तीसरा नाम पन्ना के गुन्नेर का, जिस पर जितेंद्र कुमार दहायत के स्थान पर अमित बागरी पर भरोसा जताया है। रीवा में देवतालाब से रामज्ञ सोंधिया की जगह सीमा जयवीर सिंह सेंगर को टिकट दिया गया है। भिंड की गोहद सीट से मोहनलाल माहौर के स्थान पर सपा ने जितेंद्र खटीक उर्फ बंटी को उतारा है। और यहां पर देखा जाए तो सीधे सीधे कांग्रेस से गठबंधन न होने के बाद अब सपा खुद चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, और इसको लेकर जल्द ही समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं और चुनावों में खुद यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार करने उतर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश अब उनके लिए चुनौती बन गया है। जिस तरीके से गठबंधन में होते हुए भी कांग्रेस उनका साथ नहीं दिया, तभी से बड़ा चैलेंज वो ठान कर बैठे हैं और यहाँ पर कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने की उन्होंने सोची है।